बिल्कुल अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपने यहाँ पे डिस्कस किया प्रोटाइजेशन के अंदर और एक चीज आपने कनेक्ट की है वो है आउट का बहुत बड़ा चैलेंज है खासतौर तो पर उन लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे फ्रीलांसर्स एजेंसीज अपर पे या फाइबर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब वो आउटसाइड आते हैं तो दुनिया ही उनके लिए चेंज है क्योंकि वहां तो बायर खुद आ रहा है ढूंढ रहा है भाई मुझे अच्छा बंदा मिल जाए मैं यहाँ तो आपको पता नहीं है कि भाई किसके पास जाऊं कैसे आउटरीच करें क्या चीज और आउटरीच में वैसे ही हर कोई कर रहा है वहां पे एक बंदा जो नेट्स प्लेटफॉर्म से निकल के आया है उसकी आउटरीच स्ट्रेटीज क्या होनी चाहिए और किस चैनल को ज्यादा इसको यूज करना चाहिए अच्छा देखिए हर चैनल ना आई थिंक परफेक्ट होता है इट्स जस्ट कि या तो आपको यूज करना नहीं आ रहा या आपसे क्रैक ही नहीं हो रही वो फार्मूला ठीक है मैंने हर जगह पे क्योंकि सेल्स में मैं बहुत इन्वॉल्व होता हूँ और शॉक भी बहुत ज्यादा है Even के मैं खुद का इतना एडवोकेट नहीं हूँ फाइवर का इतना एडवोकेट नहीं हूँ खुद भी इतना कोई नहीं है, गौर नहीं कमा रहा मैं कूंगा जी जी अब वक <laughs> शेट है बाकी सब ठीक है <laughs> बट अगेन अपवक का नुकसान और चीजें हर चीज की प्रोजन कॉन्स है स्थी। उसका ज्यादा कॉन ये है कि कॉम्पिटिशन आपके सामने बढ़ता जा रहा है और आज आपको कहता है बाय 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 आप स्टेप बैक टू स्टेप वन आ गए ठीक है अच्छा अपने चैनल्स आप कैसे बिल्ड करते हो जैसा लंबी डिस्कशन हो सकती है बल्कि एक एपिसोड भी सकता है बट क्विकली मैं टच कर देता देखें प्रिंसिपल ना सारी चीजों के सेम है मसलन आप इनबाउंड में एस पकड़ते हैं ना अब एस कहने को तो हर जगह पढ़ी हुई आप सीख भी सकते हैं बट एस को सही तरीके से करें यूज केस बनाए कि भाई कोई आज डिजाइन एजेंसी ढूंढ रहा है न्यूयॉर्क के अंदर मैं आ भी रहा हूं कि नहीं आ रहा अगर तो आ रहा हूं मुझे अच्छी लीड मिल रही है तो सिंपल फॉर्मूला आउटबाउंड के अंदर भी सेम फॉर्मूला है आपने पहले आइडेंटिफाई करना है मेरा आइडियल कस्टमर है कौन जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पता, है नहीं हो पता होता है। ही नहीं होता ठीक है क्योंकि हमें लगता है हर कोई मेरा कस्टमर हाँ, है हर कोई ठीक है।, है बट नहीं आपने ना आइडेंटिफाई करना है मैं आपको अपना बताता हूँ लोगों के लिए ईजी हो जाएगा समझना आज वीव ऑन डिजाइन के अंदर बेस्ट कस्टमर मेरा कौन है या तो मार्केटिंग का हेड सी लेवल का बंदा क्योंकि उसके नीचे डिजाइन टीम बैठती है या सीई डायरेक्टली या डायरेक्टर्स इंडस्ट्री वाइज जाऊँ फंडेड स्टार्टअप्स फिनटेक, टेक सास सैस कंपनीज जो जरा मॉडर्न कंपनीज है जिनको डिजाइन की नो है, ठीक है एक और आपको एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे एक आपका कटिंग करने वाला बंदा उसको शायद डिजिटल मार्केटिंग नहीं चाहिए होगी बट यही टोनियन गाय को चाहिए होगी सेम लोग हैं वैल्यू स्टेट ठीक है, है तो आपने ये देखना कि अच्छा किस इंडस्ट्री किस रेवेन्यू किस नम, उसकी डेमोग्राफिक क्या है हम सिर्फ यूएस और यूके ये दो ऑडियंसेस को पकड़ते हैं अब आप देख रहे हैं क्लोज करता हूँ हाँ। 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 अब मैं ये नहीं कह रहा पूरी दुनिया को मैंने अपना सिस्टम बेचना है हाँ आज मैं कर सकता हूँ परफेक्ट नहीं बाय बाय भी कहना आता है मुझे ठीक है लिटरली पाकिस्तानी कस्टमर मेरे पास यूसुफ uh, भाई अब ये स्टेज है क्लाइंट uh, आता है बजट सुनता है कहते हैं सर तीन तीन छः छः महीने बाद वापस आते हैं कि हमने सेविंग की है और अब आपके पास आए काम क्वालिटी का तो मज़ा आता है फिर आपको ना काम करने का भी और देन क्योंकि एक और गलती लोग क्या करते हैं स्पेशली एजेंसी बिल्डिंग या इवन के आम बिजनेस पे भी, भी आने दो आने, दो आने दो आने दो और भाई पीछे भी तो देखो कैपेसिटी कैपेसिटी आप वाकई में उस क्वालिटी को डिलीवर भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे मुझे स्टॉप लगाना है कि समझे आज आप मुझे तीन लाख दे रहे हैं अगला क्लाइंट आ जाता है आई के नॉट डिलीवर फिर मुझे उसको पाँच का बेचना है फिर छः का बट कहीं पर स्टॉप भी लगाना है कि इतना भी मैं एक्सपेंसिव ना हो जाऊँ कि मार्केट मुझे डिनाई करे तो यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट और पीछे कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना है तो अल्हमदिल्ला सम वट हमने वो एक क्रैक कर लिए बोथ फॉर लोकल मार्केट फॉर इंटरनेशनल मार्केट तो इन शॉर्ट चैनल आपका कोई भी हो आउट बाउंड में है लर्न इट ठीक है और एक बहुत गलती मैं लोगों की वो सब कुछ ट्राई करना शुरू कर देते हैं

ये means, होना चाहिए कि भाई मैं इस LinkedIn के professionals के साथ बैठा हुआ mm. तो mm. ना तो हो, हो. साथ -सा जब तक आप हैंड ऑन नहीं हो ना mm. सब बुलशेट बात mm. तो आपने समझा आज पकड़ा लिंगडिन mm. बस लिंगडिन को डिफाइन कर लें और जी इससे मैंने पैसा कमाना है आप लिंगडिन पर चैंपियन बने तीन महीने के अंदर सिर्फ लिंगडिन करें जब ये टिक हो जाए और फिर उसको आउटसोर्स आपको करना आ जाए की अच्छा अब मुझे समझ आ गई अब यही मैंने तीन बच्चे बिठा के कराना अब आ जाए अगली पे अब आप अब मैं गोल्ड ईमेल को पकड़ना चाहता हूँ टिक लग गया अब मैं जी एस को पकड़ना चाहता हूँ ठीक है हाँ इसका शॉर्टकट आप तब ले सकते हैं जब आपकी जेब में पैसा आए फिर आप करें बेस्ट बंदा हायर करें ठीक है जी यूसुफ भाई ये कर रहे हैं ये लो भाई पैसे तुम करो मेरा काम गौर साहब आप ये कर रहे हैं ये लो पैसे तुम करो मेरा काम फिर आप इस तरह आउटसोर्सिंग पे आते हो बट वो मसल होना चाहिए जेब में, ठीक है फिर अगर आप पैसे लगा रहे हो ना वेंडर को तंग करके या वो आपको बैकफायर करेगा हमेशा उससे बेहतर है ना करें एक चीज़ पे फोकस करो बेस्ट हो जो, और ना दुनिया में आई थिंक बिजनेस करने के दो ही रूल्स हैं या तो खुद करना है या पैसा दे के किसी से करवाना सही है